आज साउथ जोन टास्क फोर्स और चादरघाट पुलिस दोनों के जॉइंट ऑपरेशन में एक फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट का रैकेट हमने पकड़ा है। इनके पास एसएससी सर्टिफिकेट्स, इंटरमीडिएट डिग्री के सर्टिफिकेट्स, कई यूनिवर्सिटीज़, बोर्ड्स और कॉलेजेस की तरफ से ये फेक सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं। इनके पास 11 सेलफोन्स, 4 लैपटॉप्स, 20,000 कैश और 660 फेक सर्टिफिकेट्स का बरामद हुआ। अक्यूज्ड का डिटेल्स है मोहम्मद हबीब, ये फ्लाई अबोर्ड कंसल्टेंसी मलकपेट का एजुकेशन कंसल्टेंसी है, इसका ये बाजारघाट में रहता है। और मोहम्मद इरफान, ये सेम एजुकेशन कंसल्टेंसी में ये एजेंट्स की जैसा काम कर रहे हैं। शाहनवाज खान, मोहम्मद जुबेर, सलमान खान और अब्दुल सत्तार और एक अब्दुल रऊफ, ये एड्यूवाइज ओवरसीज़ कंसल्टेंसी एबिट्स में ये काम कर रहा है। और इनके पास जो सर्टिफिकेट्स मिले हैं वो तेलंगाना यूनिवर्सिटी, आंध्र यूनिवर्सिटी, रायलसीमा यूनिवर्सिटी, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी पुणे, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल महाराष्ट्र पुणे, बैंगलोर यूनिवर्सिटी, अनवर उलूम, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल हेल्थ साइंसेस। ये तकरीबन 15 यूनिवर्सिटीज से ये फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट्स क्रिएट कर रहे हैं। मोहम्मद हबीब ये बाजारघाट का रहने वाला है और ये बीटेक रॉयल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चेवेलना में किया, उसके बाद रिलायंस एकेडमी कंसल्टेंसी टौली चौकी में काम कर रहा था एडमिनिस्ट्रेटर के जैसा। और ये इसका मुलाकात हुआ सुनील कपूर से जो दिल्ली का रहने वाला है। सुनील कपूर एजुकेशनल मार्केटिंग में काम करता है और ये कॉमन इंटरेस्ट पे दोनों मिलने के बाद फेक सर्टिफिकेट्स करने का प्लान भी करे। और 2015 में हबीब ने ये फ्लाई अबोर्ड कंसल्टेंसी मलकपेट में खोला, उसके बाद सुनील की मदद से ये कई फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट्स क्रिएट करके कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को बेच रहा है। एक स्टूडेंट से 30,000 से 50,000 तक कलेक्ट कर रहा था। और 2019 में और 2022 में बहादुरपुरा में और सरूर नगर में इसके ऊपर फेक सर्टिफिकेट्स का केस भी हुआ। और ये जेल से छूटने के बाद भी इसका तरीका नहीं बदला और एड्यूवाइज ओवरसीज़ का जो ओनर है अब्दुल रऊफ,
और इनके एजेंट्स इरफान शाहनवाज़, ज़ुबैर सलमान, अब्दुल सत्तार, इनके मदद से कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करना, उन लोगों से काउंसलिंग करना और पैसे लेके फेक सर्टिफिकेट्स, कैंडिडेट्स को कई बैकलॉग्स है, फेल हुए हैं और मार्क्स कम है, तो अगर मार्क्स कम है तो बाहर नहीं जा सकते।